सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर आप भी हैं घूमने फिरने के शौकीन तो आपको हर उस छोटी बड़ी जगह से वाकिफ करवाया जाए जहाँ आप घूमने जाना चाहते हो। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं मसूरी की हसीन वादियों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये आपको हमारे हर वीडियो का अपडेट मिलने लगे। तो आइए चलते हैं हसीन वादियों की सैर पर जो है मसूरी में। वैसे अगर आप सिंगल हैं तो भी हमारे इस टाइटल से निराश ना हो, क्योंकि मसूरी लव बर्ड्स के लिए सिर्फ प्रेमी की बात नहीं है बल्कि प्रकृति प्रेमी, रोमांच प्रेमी, ट्रैवल लवर्स और फूड लवर्स के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है कि महान अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड ने 1963 में प्रेरणा के लिए इस शहर में बसने का फैसला लिया था। लोकप्रिय रूप से मसूरी को भारत का द क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। मसूरी उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इससे पहले कि आप अपना बैग पैक कर ले मसूरी जाने के लिए, हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं कि मसूरी में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। मसूरी गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित है, जो उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में है। यह राज्य की राजधानी देहरादून से मसूरी तक की 35 किलोमीटर तक की चढ़ाई है। तो आइए अब जानते हैं उन जगहों के बारे में जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप मसूरी जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केम्प्टी फॉल की। आनंद का अनुभव करने के लिए आपको इस झरने के ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगानी चाहिए। जॉन मैकिनन नामक एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित केम्प्टी फॉल्स मसूरी से 13 किलोमीटर दूर चक्राता रोड पर स्थित एक 12 मासी झरना है। अगर आप केम्प्टी फॉल्स का आनंद ले चुके हैं तो उसके बाद जरूर वहां एक कप गर्म चाय पिए और मैगी डिप खाएं। वाकई में इससे आपको शानदार अनुभव मिलेगा। अब आपको बताते हैं लाल टिब्बा के बारे में। मसूरी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु होने के नाते यह आपको हिमालय पर्वतमाला का एक शानदार दृश्य प्रदान करता है, जो आपको विस्मय में अंतराल छोड़ देगा। मसूरी से टैक्सी यहाँ जाने के लिए उपलब्ध है। हालांकि कुछ वास्तविक रोमांच की तलाश में अगर आप यहाँ आए हैं तो यहाँ का ट्रैकिंग एक अच्छा विकल्प है। अब आपको बताते हैं भट्टा फॉल के बारे में। हालांकि यह एक छोटा सा झरना है लेकिन यह चारों ओर कुंवारी जंगलों की खातिर एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। मुख्य शहर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर यह बहुत ही सुविधाजनक स्थान है, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपना भोजन यहाँ खुद से लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ उपलब्ध भोजनालय बहुत ही बुनियादी है। अब आपको बताते हैं कलसंग के बारे में। यह एक रेस्टोरेंट है जो कि चीनी, तिब्बती और थाई व्यंजनों को पेश करने वाला अपनी तरह का ही एक विशेष रूप से प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। मोमोज, डिमसम के लिए यह काफी प्रसिद्ध है। यह जेब को बिना चुटकी के शानदार भोजन प्रदान करता है। तो अगर आप मोमोज और डिमसम खाने के शौकीन हैं तो इस रेस्टोरेंट में एक बार अवश्य जाएं। अब बात करते हैं लाइब्रेरी बाजार के बारे में। सच कहे तो यही मसूरी का दिल है। यहाँ विचित्र कॉफी की दुकानों और रेस्टोरेंट के साथ साथ एक हलचल वाली सड़क है और शॉपोहोलिक्स के लिए तो एक शुद्ध खरीदारी यहाँ पर आपको खुशी प्रदान करेगी। यह बाजार मसूरी की सच्ची भावना है। सड़क पर एक आकर्षण है कि आप बच नहीं सकते और यह आपके दिमाग में घूमने के लिए जारी रहेगा, यहाँ तक कि आपकी छुट्टी से वापस आने के बाद भी। दुकानों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पाद स्थानीय हस्तशिल्प से लेकर किसी भी आधुनिक शहर में उपलब्ध ब्रांडों के सर्वश्रेष्ठ तक होते हैं। हालांकि आपको मोल भाव करने में अच्छा होने की आवश्यकता है, क्योंकि दुकानदार सबसे पहले तो आपको उच्च कीमतों का ही अनुमान लगाएंगे। कंपनी गार्डन भी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए एक अच्छा विकल्प है। यह एक वनस्पति उद्यान है जो रंग बिरंगे फूलों के लिए एक स्पेक्ट्रम बोटिंग सुविधा के साथ एक छोटी सी झील, एक कृत्रिम झरना, बच्चों के लिए सवारी, स्मृति चिन्ह और कई प्रकार के स्नैक्स पेश करने वाले परिवेश भोजन अदालत की दुकानों के साथ सजाया गया है। यह मसूरी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ टैक्सी या रिक्शा के द्वारा आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप चेक चॉकलेट, लवली ऑमलेट सेंटर, एमिलीज मोमोज, तिब्बतीयन रेस्टोरेंट, नोस्ट्राडामस, द राइटर्स बार एंड क्लॉक टावर कैफे पर भी जा सकते हैं। तो भाई अब इंतजार किस बात का है, अपना सामान पैक करें और पहाड़ियों की रानी की यात्रा पर जाएं। वाकई में यहाँ पर आपको शानदार अनुभव प्राप्त होगा।